वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप खेलने के लिए अब भारत को नई कदम लगानी पड़ सकती है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला अगले साल खेले जाना है। रोहित शर्मा की अगुवाई वाली टीम इंडिया को लगातार तीसरी बार फाइनल में पहुंचने के लिए ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसी खतरनाक टीमों से मुकाबला करना होगा। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के 2023-25 के चक्कर में फिलहाल भारतीय टीम मजबूत स्थिति में दिख रही है और भारतीय टीम के मजबूत दिखने के पीछे रोहित शर्मा की मेहनत साफ नजर आती है। सभी को पता है किस तरह से रोहित शर्मा टीम इंडिया को हर बार चैंपियन बनाने के लिए बहुत सी कोशिशें करते हैं। वर्तमान में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के बारे में बात करें तो इस समय वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में टीम इंडिया 68% अंक के साथ में टॉप पर बनी हुई है, यानी कि टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसी टीमों को पछाड़कर नंबर एक की पोजीशन पर टिकी हुई है। भारत ने अब तक इस टेस्ट चैंपियनशिप में 3 सीरीज खेली है और इसके बाद भारत को 3 सीरीज और खेलनी है। भारतीय टीम की स्थिति इससे भी अधिक मजबूत होती, लेकिन भारतीय टीम ने वेस्ट इंडीज के साथ में एक टेस्ट मैच ड्रॉ और इंग्लैंड साथ में एक टेस्ट मैच हार लिया और इसकी वजह से भारतीय टीम पॉइंट टेबल में नंबर एक की पोजीशन पहुंच गई है, लेकिन अभी भी भारतीय टीम के 68% ही अंक हैं। अब अगर भारतीय टीम के बारे में आगे बात करें कि आगे आने वाले समय में भारतीय टीम को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जाने के लिए कौन सी तिकड़म बिठानी होगी, जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो इस चक्कर में भारतीय टीम की सबसे बड़ी तिकड़म जो होने वाली है वह है घरेलू मैदान। जैसा कि सभी को पता है कि आने वाले सीरीज में 2 सीरीज टीम इंडिया की धरती पर होने वाली है और साथ ही 1 सीरीज ऑस्ट्रेलिया में होने वाली है। ये 2 सीरीज बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के साथ में होने वाली है और इन दोनों सीरीज में टीम इंडिया को कुल मिलाकर 5 टेस्ट मैच खेलने हैं। और अगर यहाँ से भारतीय टीम अपने घरेलू मैदान पर सभी 5 टेस्ट मैच में जीत हासिल करती है तो टीम इंडिया के लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। जैसे ही टीम इंडिया 5 टेस्ट मैच जीत लेगी तो उसके साथ ही टीम इंडिया के फाइनल में पहुंचने की उम्मीदें बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएंगी। और अगर घरेलू मैचों के बारे में बात करें तो भारतीय मैदान पर बांग्लादेश साथ में 2 टेस्ट मैच होने वाले हैं तो टीम इंडिया उन 2 टेस्ट मैचों को आसानी से जीत सकती है, लेकिन टीम इंडिया के लिए मुसीबत वाली सीरीज न्यूजीलैंड साथ में होने वाली है। सभी को यह बात बहुत ही अच्छे प्रकार से पता है कि न्यूजीलैंड टीम कितनी खतरनाक टीम है और वह टीम भारतीय धरती पर इंडिया की टीम को कई टक्कर देने वाली है। और यदि बदकिस्मती से न्यूजीलैंड टीम इंडिया की टीम को 1 या 2 मुकाबले हराती है तो टीम इंडिया के लिए वर्ल्ड कप का फाइनल मैच बहुत दूर होने वाला है। अगर पिछले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के चक्कर पर एक बार नजर डालें तो ऑस्ट्रेलिया ने पिछली बार 67.66 अंकों के साथ में पॉइंट टेबल में टॉप किया था। इसी के साथ भारत ने 58.80% अंकों के साथ में फाइनल में जगह बनाई। ऐसे में यह कहा जा सकता है कि 65% अंकों के साथ में एक सेफ पोजीशन माना जा सकता है और कहा जा सकता है कि इतने अंकों की वर्ल्ड टीम फाइनल में अपनी जगह बना सकती है। फिलहाल भारत के पास खाते में 68.51% अंक है। अगर भारतीय टीम आखिरी सीरीज तक इतने ही अंक बनाए रहती है तो यकीनन भारतीय टीम तीसरी बार फाइनल में पहुंच सकती है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि अभी भारतीय टीम के पास में 68.51% अंक है, यानी कि अगर भारतीय टीम आगे कोई मुकाबला हारती है तो ये अंक कम भी हो सकते हैं, क्योंकि WTC फाइनल में टीमों को जगह उनके जीत परसेंट के आधार पर मिलती है और अगर कोई टीम किसी मुकाबले में हारती है या फिर कोई सीरीज हारती है तो उसका जीतने का परसेंट कम होगा, जिसकी वजह से वह टीम फाइनल में भी नहीं पहुंच पाएगी। टीम इंडिया के लिए अच्छी खबर यह है कि टीम इंडिया को 19 सितंबर को 2 टेस्ट मैच सीरीज बांग्लादेश से खेलनी है और बांग्लादेश से टीम इंडिया आसानी से जीत सकती है, लेकिन इसके बाद में टीम इंडिया को घर पर ही 3 टेस्ट मैचों की सीरीज न्यूजीलैंड से खेलनी होगी और उन 3 टेस्ट मैचों में टीम इंडिया के लिए अग्नि परीक्षा होने वाली है। लेकिन टीम इंडिया के लिए फायदेमंद बात यह रहेगी कि वह टेस्ट सीरीज टीम इंडिया की होम ग्राउंड यानी भारतीय जमीन पर होने वाली है, जिसका टीम को बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। भारतीय टीम घर पर 5 टेस्ट मैच खेलने के बाद में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भी 5 टेस्ट मैच खेलने वाली है। आपको उस टेस्ट मैचों के बारे में बताऊं तो अगर भारतीय टीम घर में 5 टेस्ट मैच जीतती है लेकिन उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया में जाकर 2-3 से भी सीरीज हारती है तब भी भारतीय टीम के पास खाते में 69.29% अंक रहेंगे और इसके साथ भारतीय टीम फाइनल में पहुंच सकती है। लेकिन अगर वह सीरीज भारतीय टीम 4-1 से हारती है तो भारतीय टीम के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। उसके बाद में भारतीय टीम के पास में 64.4% अंक हो जाएंगे और इसके बाद में भारतीय टीम को दूसरी टीमों पर निर्भर होना पड़ेगा। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पिछली बार 2 सीरीजों में टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जाकर मात दी है और अगर टीम इंडिया इस बार भी ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जाकर हराती है तो यह तीसरी बार होगा कि टीम इंडिया जब ऑस्ट्रेलिया को उसके घर पर जाकर वही सीरीज हराकर आती है। और अगर टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया को सीरीज हराती है तो यह न केवल इंडिया के लिए अच्छा होगा, इसके अलावा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भी इंडिया की टीम को जाने के लिए कोई भी नहीं रोक पाएगा। इसके साथ ही आपको बता दूं अगर टीम इंडिया घरेलू जमीन पर 5 टेस्ट मैच जीतने के बाद में ऑस्ट्रेलिया के पास में सीरीज ड्रॉ भी करवाती है तब भी टीम इंडिया के पास खाते में 71.0% अंक रहेंगे और इसके साथ ही टीम इंडिया को फाइनल का टिकट आसानी से मिल सकता है। तो अब वीडियो के अंत में अगर आपको बताऊं तो अगर टीम इंडिया को WTC फाइनल में पहुंचना है तो टीम इंडिया के लिए
घरेलू मैदान पर होने वाले 5 मैच बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें।